उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी अनुसेवक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देकर मांग की है। लगभग 4000 नियमित संग्रह अनुसेवकों के पद रिक्त हैं, इसके बावजूद पात्र सीजनल संग्रह अमीनों व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का विनियमितकरण शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश न देने के कारण नहीं हो पा रहा है, जिससे राजस्व विभाग में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीन व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का भविष्य खराब हो रहा है। विनियमितीकरण के ही ये सेवा निर्वत होते जा रहे हैं। सीजनल संग्रह अमीन व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण होना अति आवश्यक है। पदाधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीन व सीजनल संग्रह अनुसेवकों के स्पष्ट निर्देश में यदि आवश्यकता हो तो नियमावली में संशोधन उपरांत हम सीजनल संग्रह अमीनों अनुसेवकों का विनियमितीकरण कराया जाए, जिससे कि सीजनल संग्रह अमीनों व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। विभाग में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीन व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का भविष्य खराब हो रहा है। विनियमितीकरण के ही ये सेवा निर्वत होते जा रहे हैं। सीजनल संग्रह अमीन व सीजनल संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण होना अति आवश्यक है। मुख्य मुद्दे ये हैं जो हमारा 25-30 वर्षों से सेवा करते हुए हो गए और नियमावली में के आधार पर भी हमारा जो रेगुलर होने का सिस्टम उसके आधार पर भी सरकार नहीं कर रही है और लगभग आधे वेतन में आधी रोटी खा कर पूरा काम हम कर रहे हैं। एक नियमित अमीन से अधिक हम लोग वसूली करते हैं आधे खर्चे में, उसके बावजूद भी हमें रेगुलर सरकार नहीं कर रही है। बार बार आश्वासन देने के बाद तो आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। क्या नाम आपका? रणवीर सिंह है। तो मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। और मैं अपने हमारा सीजनल संग्रह कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन है और इसका मैं प्रदेश ऑडिटर हूं। और हमारी मांग यह है कि हम करीब 25 से 30 वर्षों से सीजनल सेवा में कार्यरत हैं, जबकि 4 फसली का नियम होता है, यानी 2 वर्ष बाद अगर सही कार्य किया है तो रेगुलेशन हो जाना चाहिए। और हमें करीब 25 से 30 वर्ष सही कार्य करते हुए और विधिवत सेवा में हैं और फिर भी अभी तक हमारा रेगुलाइजेशन नहीं हो पाया है, यानी हम नियमित नहीं हो पाए, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल रहा है। वैसे हमें तनख्वाह लगभग 11 महीना मिलती है। आज का ज्ञापन किसके द्वारा किसको भेजा गया है? हम जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए।